परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 9784853787। आपसे एक प्रश्न, कर्म बलवान है या आत्मा? एक जनों का उत्तर आया है आत्मा, बाकी सब चुप बैठे हैं। जो सही होगा वो अपने आप पता चल जाएगा। कर्म बलवान या आत्मा? आत्मा। लेकिन वर्तमान में आपके लिए कर्म बलवान है या आत्मा? वर्तमान में नॉर्मली व्याख्या तो ये होगी कि आत्मा बलवान है, कर्म कमजोर है। लेकिन आप जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, आप जो जीवन जी रहे हैं, उसमें कर्म बलवान है या आत्मा? कर्म है ना, जैसा कर्म कहते हैं हम वैसा कर लेते हैं। कर्म कहते भूख लगी, चलो खाना खा लेते हैं। कर्म कहते प्यास लगी, चलो पानी पीते हैं। कर्म कहते क्रोध आ रहा, चलो किसी से लड़ लेते हैं। कर्म कहते प्रेम आ रहा, चलो प्रेम कर लेते हैं। कर्म कहते हैं राग आ रहा, चलो राग कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, जो वो करा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति को मोहित कर लिया जाए, हिप्नोटाइज, सुना है ना शब्द। यदि कोई किसी को मोहित कर ले तो वो जो कहता है वो वही करता है। ऐसे ही है ना, कभी कभी तो घर में जब पति ज़्यादा पत्नी की बात मानता है तो लोग कहते हैं अरे उसने तो मोहित कर लिया, वो जो कहेगी वो वही मानेगा, वो दूसरे की मानने वाला नहीं है। उसने तो कुछ खिला दिया, उसने को तो कुछ पिला दिया, मोहित कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, यही है ना। तो कर्मों ने आत्मा को हिप्नोटाइज कर लिया है, मोहित कर लिया है। मोहित करने वाला कौन सा कर्म है? मोहिनी। मोहिनी कौन सा कर्म है मोहित करने वाला? कर्मों ने आत्मा को मोहित कर लिया। अब जब मोहित हो चुके हैं तो जो कर्म कहता है हम वो करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म जो कहता है हम वो करते हैं। अब इंसान कहता है मुझे लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, दूसरा कहता अरे ना लाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो काला अच्छा लगता है। तीसरा कहता नहीं नहीं मुझे तो सफेद अच्छा लगता है। ओहो हो, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ये कर्म अच्छा लगवा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म अच्छा लगवा, तुम अपने आप में फूले फिर रहे कि मुझे लग रहा है। कोई कहता मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, कोई कहता मुझे नमकीन बहुत अच्छा लगता, तुम्हें नहीं लगता है, ये कर्म बुलवा रहा है तुमसे। तुम मोहित हो चुके हो तो कर्म जो कहता है तुम वही कहते हो, तुम अलग कुछ भी नहीं कहते हो। इंसान के मुंह से जो वाणी निकल रही है ना वो सारी कर्म से वशीभूत होकर निकल रही है, कर्म से मोहित हुई निकल रही है। यदि वो सावधान हो जाए, यदि वो सावधान और जागृत होके बोले तो कुछ और बोलेगा, और जागृत नहीं है इसीलिए जो कर्म बुलवाता है वही बोलता है। अब कर्म क्रोध कर्म का उदय आना है तो ऐसी वाणी बुलवाएगा, लड़ाई हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, ऐसे निमित्त पैदा कर देगा। जहां चोट लगनी है वहां अपने आप मन करेगा चल वहां चल, हो सकता वहां जाके एक्सीडेंट हो जाए,
ऐसा होता है कि नहीं होता। एक महिला थी तो वो रोज सुबह मंदिर जाती थी। रास्ते में एक उसकी सहेली का घर पड़ता था तो वो रोज सोचती, अरे इसका वो डिब्बा वापस करना, रोज भूल आती हूँ, और सीधी निकल जाती, रोज सोच लेती हूँ मंदिर निकल जाती। एक दिन वो आधे रास्ते में आई, उसे याद आया, अरे उसका डिब्बा लाना था, चलो आज दे दूंगी मैं। अब वो डिब्बा लेने घर वापस गई, ठीक है, घर से डिब्बा लेकर आई और वो उसके घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा खोला, वो वहाँ खड़ी हुई बाहर वाले कमरे के, जहाँ दरवाज़ा खुला वहाँ खड़ी थी। सहेली ने कहा, एक सेकंड रुक, जरा दूध गैस पे रखा है, मैं बंद करके आती हूँ। वो चली गई अंदर, बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ, वो चली गई अंदर और वहाँ पर इतने में उसके मकान की छत गिरी और वो घायल हो गई, उसका सिर फूट गया। इसको आप क्या कहोगे? घर वापस गई, डिब्बा लेके आई और जिस घर की महिला थी, जिसकी छत थी, उसका सिर नहीं फूटना था, वो दूध का गैस बंद करने के लिए अंदर चली गई और उसकी छत गिरी और उसका सिर फूट गया। चोट लगनी थी, कर्म वहां ले गया। कर्म उठाता है, कर्म बिठाता है, कर्म सुलाता है, कर्म जगाता है, कर्म नींद नहीं आने देता, कर्म ज्यादा नींद लाता है, कर्म को रंग अच्छा लगता है, कर्म को रंग अच्छा नहीं लगता है। और हम हर चीज में कहते, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ये मैं कौन है? तुम नहीं बोल रहे हो, कर्म बोल रहा है ना? तो कर्म बलवान या आत्मा बलवान? बीच बीच में पूछती जाऊंगी आपसे, कर्म बलवान या आत्मा बलवान? जंगल के पशु पक्षी कब तक आराम से घूम रहे हैं? जब तक शेर सो रहा है। और शेर जागृत हो जाए तो सारे पशु पक्षी अपने अपने दिल में घुस जाएंगे, एक दहाड़ लगाए। ऐसे ही जब तक आत्मा मोहित होकर के जी रही है, तब तक ये कर्म निर्भय का, बिल्कुल निर्भय होके तुमसे अपना काम करवा रहे हैं। और मोहनी की नींद से जागृत होते ही, आत्मा के जागृत होते ही, फिर कर्म कहेगा कि मुझे रसगुल्ला खाना है, आत्मा कहेगी चुपचाप बैठ, नहीं मिलेगा खाने के लिए। कर्म कहेगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, आत्मा कहेगी चुप बैठ, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं होती है, ठंडा पानी है, पीना है तो पी ले। अब आत्मा बोल रही है, यहां कर्म बोल रहा है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है, मुझे वो पहनना है, मुझे सजना है, मुझे सवरना है। और आत्मा यदि जागृत हो जाए तो आत्मा कहेगी चुप बैठ जा, जैसे रहना है वैसे रहेंगे, प्रकृति से बचने के लिए वस्त्र पहनना है ढंग के वस्त्र पहनना है पहन ले, और बाकी तेरे हिसाब के वस्त्र नहीं मिलने वाले जो तू मांग रहा है। ना मैं जो फैशन के वस्त्र पहनूंगा, ना मैं कोई और वस्त्र पहनूंगा, मैं तो जो पहनूंगा वो केवल मर्यादा के लिए पहनूंगा, बाकी मैं वस्त्र तेरे हिसाब के नहीं पहनूंगा। आत्मा जागृत हो गई। जब आत्मा जागृत होगी तो इच्छाएं और आकांक्षाएं एक कोने में पड़ी रह जाएंगी, और जब तक आत्मा जागृत नहीं है तब तक कर्म जो कह रहा है आप वो कर रहे हो। जब तक ये मोहिनी कर्म मोहित किए हुए है, बड़ा प्रहार है, ये भी होश में नहीं आने देता है कि मैं मोहित हूं, ये भी पता नहीं चलने देता है कि मैं मोहित हूं। मैं तो यही मान लेता हूं कि मैं ही कर्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, दोनों को एक मान लेता है। यही तो मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व इसी को ही तो कहते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। कर्म कहता आज मेरा जन्मदिन है, कौन कहता है? कर्म कहता है। जन्मदिन किसका है? आयु कर्म का। किसका जन्मदिन है? आठ कर्म में आयु कर्म एक कर्म है कि नहीं है? जन्मदिन किसका है? आयु कर्म का। मैं क्या कहता, आत्मा क्या कहती है? मेरा जन्मदिन है। आत्मा क्या कहती है? मेरा जन्मदिन है। मैं आत्मा का जन्म हो सकता है क्या?
आत्मा मर सकती है क्या? जब आत्मा मर नहीं सकती है तो जन्म भी नहीं हो सकता है। तो कर्म का जन्म है और कर्म की मृत्यु है। आत्मा कहती मेरा जन्म है, बस यही तो मोहित होने की निशानी है। और कितने धूमधाम से मनाते हैं कर्म अपना जन्म दिन, कितने धूमधाम से मनाता है कौन? कर्म अपना जन्मदिन, मिठाई लाता है, टॉफी लाता है, घर सजाता है, मित्रों को बुलाता है। किसका जन्मदिन मनाने? कर्म का जन्मदिन मनाने। और केक काटता है, केक तो जरूर, उसके बिना तो जन्मदिन हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां तो लड्डू पेड़े खाए जाते थे, ये केक तो विदेश से आया है। और हमें विदेश की चीज बड़ी अच्छी लगती, हमें अपनी चीज तो अच्छी लगती नहीं है। अपनी चीज तो भूलते जा रहे हैं। जो चाइना वाले खाते हैं वो खाएंगे, जो अमेरिका वाले खाते हैं वो खाएंगे, जो हमारे यहाँ के खाते हैं वो नहीं खाएंगे, जो भारत में खाए जाते हैं वो नहीं खाएंगे। ये मोहित क्या है? आत्मा मोहित है। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि घर में आप पर कोई दिन भर ऑर्डर चलाए तो कैसा लगेगा? अरे बोलो ना, अरे बोलिए ना, गुस्सा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वो कहेगा पानी पिला, आप पानी लाके देते। वो कहता खाना खिला, आप खाना लाके देते। कपड़े में प्रेस कर, आप प्रेस करते। चल झाड़ू लगा, आप झाड़ू लगाते हो, है ना? वो जैसा कहेगा आप करते रहते। गुस्सा आता है नहीं आता है? आता है ना। क्या होना चाहते हो? स्वतंत्र। उसके कहने से नहीं चलेंगे, हमें जो करना है वो करेंगे। हम अपने हिसाब से कपड़े पहनेंगे, हम अपने हिसाब से खाना खाएंगे, हम अपने हिसाब से अपने घर का काम करेंगे। तुम्हारे हिसाब से करेंगे क्या? लेकिन ये तो देखो कि जो जिंदगी जी रहे हो क्या वो तुम स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हो? जो कर्म दिन भर कहता है तुम वो सारे दिन करते हो। गुस्सा नहीं आता कर्मों पर? गुस्सा नहीं आता कर्मों पर? गुस्सा इसलिए नहीं आता है कि हमने अपने आप को कर्म रूप कर लिया है। हमें यह पता ही नहीं चलता है कि कर्म अलग है और आत्मा अलग है। और दिक्कत यही पैदा हो रही है, यदि कर्म को अलग मान लें और फिर ये समझ में आ जाए कि ये जो मुझे इच्छा पैदा हो रही है ये मेरी नहीं है, ये कर्म ने कहा है, तो फिर वहां पर थोड़ा ईगो खड़ा हो जाएगा। ये कह रहा है वो, तब क्यों करूं? ईगो आ जाएगा। हर आदमी स्वतंत्र होना चाहता है। एक छोटा सा बच्चा भी जरा सा बड़ा हो जाए तो गोदी में नहीं रहना चाहता है। आप पकड़ने का प्रयास करते हो, वो भागने का प्रयास करता है। स्वतंत्रता प्रिय है किसको? आत्मा को। बंधन में दुख है, स्वतंत्रता में सुख है। आप अभी सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे बोलिए ना, सुखी हैं? कौन कौन सुखी है? हाथ उठाना जरा, अच्छे से हाथ उठाओ, एक बार देख तो लूं सुखी हैं या नहीं है। बहुत बढ़िया, हाथ उठाइए, अच्छे से उठाओ। 1 2 3 4, चार ही लोग सुखी। तुम सुखी नहीं हो? अपने घर वालों के सामने कह रही हो, ये बाद में डांटेंगे जाकर तुम्हें। बताओ, इन्हें हाथ भी नहीं उठाया। तुम्हारे पति देव कहाँ है? वो बैठे हैं, डांट पड़ेगी बाद में। उठाओ हाथ, उठाइए उठाइए, सुखी हो ना आप लोग? सुखी हैं? अरे हाथ उठाइए ना। ताराचंद जी सुखी है नहीं है? सुखी की परिभाषा पता है आपको? मैंने कई बार बताई है, कई बार बताई है कि सुख किसे कहते हैं और आप सुख किसको मान रहे हैं। जैसे खुजली हुई और आपने खुजाया, सुख मिला? अरे बोलिए ना, मिला कि नहीं मिला? ठीक है। दांत में दर्द हुआ फिर दवाई खाई, सुख मिला? मिला मिला। सिर में दर्द हुआ फिर दवाई खाई, सुख मिला? सिर ठीक हो गया, सुख मिला कि नहीं मिला? पांव में दर्द हुआ तेल लगाया, ठीक हो गई, सुख मिला? अरे बोलिए ना, मिला। अच्छा, मतलब संसार के सुख में पहले दर्द चाहिए फिर सुख मिलेगा। आप कौन से वाले सुख को सुख मान रहे हो?
जिसमें पहले दुख फिर सुख और बाद में दुख, जिसके दोनों तरफ दुख हो और बीच में सुख हो, उसका नाम है संसार का सुख। खुजली हुई फिर खुजाया फिर सुख मिला, ये सुख है कि खुजली नहीं होना सुख है? अरे बोलिए ना, नहीं होना सुख है। तो बड़े होशियार, सिर में दर्द हुआ फिर दवाई खाई फिर सुख मिला, तो वो वाला सुख ठीक है कि सिर में दर्द नहीं होना ठीक है? क्या बात है, आप तो बड़े समझदार हैं। भोजन करने की इच्छा हुई फिर भोजन किया, सुख मिला? मिला। भोजन करने की इच्छा हो नहीं होना, भूख का ही मिट जाना सुख है या भोजन के स्वाद में सुख है? भूख का मिट जाना सुख है। आप पूजा करते हो ना, क्षुधा रोग विनाशनाये नैवेद्यम निर्वामिति स्वाहा, और घर में कहते हैं आज जरा कढ़ी बना के रखना 14 से। चलो जो व्यवस्था है, आपको हरी नहीं खाना वो कोई बात नहीं है, फिर भी उसके अपेक्षा और भी चीजें ले सकते हैं, है ना। यहाँ तो हम खाने की पूरी तैयारी करते हैं और यहाँ क्षुधा रोग विनाशनाये के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं, और हम ये समझते नहीं है कि नैवेद्य चढ़ाने का अर्थ क्या है। नैवेद्य चढ़ाने का अर्थ ही समझ जाओ तो सुख समझ में आ जाए। भगवान भोजन करते हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं करते हैं। इसका मतलब उनकी भूख मिट गई, वो परम सुखी है। कैसे है वो? परम सुखी है। यहां तो पेट के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले सुख की परिभाषा समझो कि सुख कैसे, किसे कहते। अभी मैंने पूछा आप सुखी हैं, बोले जी हम तो बहुत सुखी, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है बस हमारे ऊपर, तो हम तो बहुत सुखी हैं। आप बताओ सुखी हो क्या? अब बताओ कौन सुखी है? भगवान सुखी है कि तुम सुखी हो? यदि तुम सुखी हो जाओ ना, तो तुम्हें भगवान के पास आने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान को देखकर सोचो तो सही, भगवान किस तरह के सुखी हैं और हम किस तरह के सुखी हैं। जो भगवान के सुख को जान लेता है वो उस सुख की प्राप्ति की आकांक्षा और पुरुषार्थ करता है, और जो भगवान को ही नहीं जानता है वो तो वह संसार वाले सुखों में सारी जिंदगी लगा रहता है और एक दिन मन उसे धारा मिल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? सुख की परिभाषा समझ में आई? आत्मे को हित है सुखे सो सुखे, आकुलता बिनु कहिए आकुलता शिव माही न ताते, शिव मागे लाग्यो चाहिए। छह ढाला की लाइनें है तीसरी ढाल की। आत्म को हित, आत्मा का क्या हित है? सुख। आत्मा का हित क्या है? सुख। वो सुख कैसा है? आकुलता से रहित है। सुख का मतलब आकुलता से रहित। आंख बंद करके बैठे हैं ध्यान में, मन एकदम शांत है, एकदम शांत है और पूरा ध्यान लगा हुआ है, एकाग्र है, नहीं भटक रहा है, बिल्कुल शांति से परमात्मा का, आत्मा के गुणों का चिंतन मनन चल रहा है। ये सुख है सच्चा कि सुबह से लेके 11 बजे तक तो खूब मेहनत करके भोजन बनाया और आधे घंटे में साफ कर लिया, ये सुख है। आकुलता में सुख हो ही नहीं सकता है। और वो सुख भी कैसा है? संसार वाला क्षणिक है। कैसा है? क्षणिक है। भोजन रसगुल्ले का स्वाद कब तक है? जब तक जीव में है। तुम आंखों से देख रहे हो, रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है? नहीं आ रहा है। बनाते बनाते स्वाद आ रहा है? हाथ में बनाते ना, वो मावा से बनाते हैं तो हाथ को स्वाद आ रहा है? नहीं आ रहा है। कढ़ाई में पड़ा हुआ है, कढ़ाई को स्वाद आ रहा है? नहीं आ रहा है। कब आएगा स्वाद? जब जीव में जाएगा। जीव में कितनी देर के लिए रहता है? घाटी नीचे माटी, इधर से नीचे गया मिट्टी हो गया, और बस इतनी सी जगह के लिए होता है जो कुछ होता है, और इतनी जगह में भी इतनी सी जगह का स्वाद आता है, यही है ना है? तो उसके बाद एक बार रसगुल्ला खाने के बाद ऐसी तृप्ति होती कि जिंदगी में कभी रसगुल्ला नहीं खाना,
अरे बोलिए ना, एक बार ध्यान करने में जो आनंद आता है, दोबारा बैठो उससे ज्यादा आएगा, तीसरी बार बैठो उससे ज्यादा आएगा। ध्यान का सुख बढ़ता जाता है, आकुलता रहित सुख बढ़ता जाता है। और पहला रसगुल्ला खाया, स्वाद कितना आया? बहुत आया, बहुत दिन से नहीं खाया था ना। अच्छा, तो दूसरा रसगुल्ला खाया, स्वाद उससे ज्यादा आएगा कि कम? कम। और फिर 5-10 खा लिए, अच्छा फिर 100-200 रसगुल्ले खाने पड़े, फिर तो उल्टी करने लगोगे, बीमार पड़ जाओगे, फिर तो अस्पताल जाना पड़ेगा। यह है संसार का सुख। और यहां ध्यान का सुख जितना अभी आया है, उसके बाद उससे ज्यादा आएगा, उसके बाद उससे ज्यादा आएगा। कर्मों का नाश होता जाएगा, शांति मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक दिन ये ध्यान आपको परमात्मा बना देगा, परम सुखी कर देगा। अब आपको सुख समझ में आया? अरे बोलिए ना। आप अभी जिसको सुख मानते हो उसके पीछे पड़े हो। आप धन में सुख मानते हो तो देखो कितनी मेहनत करते हो, धन में सुख मान रहे हो ना। धन में सुख नहीं माना होता तो इतनी मेहनत क्यों करते? धूप में, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में कैसे भागते फिरते हैं? धूप भी नहीं लगती गर्मी में, जून के महीने की धूप नहीं मिलती हाथ में, हरे हरे नोट हो तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने धन में सुख को माना है, और मुनिराज ध्यान में सुख को मानते हैं, इसीलिए वो धूप में बैठ के ध्यान भी कर लेते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता। जैसे आप धन कमाते हो तो तुम्हें धूप का पता नहीं चलता, और जब आत्मा से प्रेम होता है, जब आकुलता रहित सुख का पता चलता है, और उसकी प्राप्ति के लिए जब ध्यान किया जाता है तो उन्हें भी धूप का पता नहीं चलता है। अभी आपने धर्म में, आत्मा में सुख माना ही नहीं है। अभी जो धर्म हो रहा है ना, वो तो हम सुखी रहे, हमारे घर वाले सुखी रहे, अरे मंदिर नहीं जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, अरे कुछ तो धर्म कर लिया कहीं तो सारा कर्म गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मंदिर जाते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। अभी आपका पुरुषार्थ आकुलता रहित सुख की तरफ जागृत हुआ ही नहीं है। जिस दिन हो जाएगा, आपकी इच्छाओं में, आकांक्षाओं में ब्रेक अपने आप लग जाएगा, मना नहीं करना पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा ऐसा मत कर ऐसा मत कर, अपने आप ही अनुशासन में हो जाओगे, आत्मानुशासन में हो जाओगे। जब तक आत्मा के सुख का, आकुलता रहित सुख का आपने उस तरफ दृष्टि नहीं डाली है, जब तक प्रयास और पुरुषार्थ जागृत नहीं किया है, तभी तक ये सारी बाहर की इच्छाएं आकांक्षाएं परेशान कर रही हैं। और जिस दिन पता चल जाएगा, उस दिन तो लगेगा अरे छोड़ो, अपना स्वाध्याय में आनंद आएगा। उपवास में आनंद आता कि नहीं आता? उपवास में आनंद किसे आता है? जिसे आकुलता रहित सुख की इच्छा हो। अरे आज तो उपवास है, बस आज तो आनंद आ गया, आराम से बैठ के स्वाध्याय करेंगे, ना भोजन करना, ना कोई ज्यादा अटर पटर करना, अपने आज तो पूरा समय है मेरे पास, आज तो पूरा धर्म करूंगा। उपवास का आनंद, स्वाध्याय का आनंद, टीवी के सीरियल में मन नहीं लग रहा है, इधर उधर मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय में मन लग रहा है। कर्म कितने होते हैं, कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं, कर्मों का स्वभाव क्या होता है, कर्मों का बंध कैसे होता है, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, एक एक चीज समझ में बैठ जाएगा। करो तो आत्मा से प्रेम, करो तो सच्चे सुख की एक बार अनुभूति कि मुझे सच्चे सुख को प्राप्त करना है। अभी तो लगे पड़े हैं क्षणिक सुख में, कौन से सुख में? सजनी में, सवर्ण में, शादी में, ब्याह में कितनी खुशी मिलती है, कितनी खुशी मिलती है। जिस दिन सच्चे सुख का पता चल जाएगा, उस दिन शादी में जाना तुम्हारे लिए मजबूरी हो जाएगी, बस जाना पड़ता है, गृहस्थी निभा रहे हैं। वरना सुख तो आत्मा में आता है, आंखें बंद करके बैठने में आता है। जिस दिन सच्चे सुख का पता चल जाएगा, उस दिन बाहर की चीजें बहुत छोटी लगने लगेंगी। घर में चोरी भी हो जाएगी ना तो टेंशन नहीं होगी, मेरा क्या था जो चला गया, मेरी तो आत्मा है, मेरा तो ज्ञान है, मेरा तो ध्यान है, जी ठीक है चला गया चले गए, उसका भी दुख नहीं होने वाला है। यदि सच्चे सुख की अनुभूति लेने का और उसका श्रद्धान कर लिया तो, और जिस दिन सच्चे सुख का श्रद्धान हो जाएगा, उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिस दिन भगवान के सच्चे सुख की थोड़ी सी आपने किरण ले ली अपने अंदर में, उस दिन पता चलेगा कि मंदिर आज आया हूं, अभी तक तो केवल ऊपर ऊपर से आता था।
भगवान के सुख को देखो तो सही, भगवान भगवान क्यों बने हैं? क्या मिला इनको भगवान बन के? क्या मिला इनको तपस्या करके? कि उन्होंने जंगल में तपस्या करी, कि उन्होंने महल मकान छोड़ दिए, क्यों भगवान बन के बैठे हो? क्या मिल रहा है आपको? ऐसा जब अनुभूति पूर्वक और आप भगवान के दर्शन करोगे तो आपको एक एक चीज एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा और मन एकदम शांत हो जाएगा। बहुत लोग आते बोले माता जी मन शांत नहीं रहता है, मन बहुत भटकता है, दिमाग में बहुत विचार चलते हैं। क्यों नहीं चलेंगे? भटकने वालों की संगति कर रहे हो तो भटकेंगे। जिनका मन शांत हो गया है, आत्मा शांत हो गई है, उनकी संगति करो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। उनकी तरफ तो ध्यान नहीं, पूजा भी हो गई, पाठ भी हो गए, सब हो गए, मगर रूटीन, केवल रूटीन, अनुभूति कुछ भी नहीं। बिना अनुभूति के सारे काम कर लिए, ना पूजा में अनुभूति आई, ना माला में अनुभूति आई, ना जाप में अनुभूति आई, ना पाठ में अनुभूति आई। बस जो रोज का काम था, भक्तांबर हो गई, माला हो गई, पूजा, दुख ऐसे नहीं भागने वाले हैं। जब तक सच्चे सुख की जानकारी नहीं लोगे, जब तक उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करोगे, उसे सही जगह नहीं खोजोगे। कहां खोजते हैं सुख? बाहर है, कहां? अंदर। समय हो गया, समाप्त करूं। चलनी में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपके जहाजपुर की यात्रा का, कहां से आए हैं? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, और कहां से आए हैं? फरीदाबाद। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। हो गए सारे? इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का, और मुजफ्फरनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। मैं आज से 5 साल पहले सस्ती धाम आया था, तब यहाँ पे जहाजपुर के जहाज के मंदिर का निर्माण चल रहा था, तब से मैं, उसके बाद आज 15 दिन पहले दोबारा आया था, आज से 15 दिन पहले। भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे को 15 दिन में दोबारा दर्शन देने बुलाया। जय हो सस्ती धाम भगवान की, जय हो, जय हो मुनि सुरत नाथ भगवान की, जय हो। मैं ये भगवान से आशा करता हूँ कि मेरे को बार बार इस मंदिर में दर्शन करने बुलाए। बस मेरी यही मनोकामना है कि मैं यहाँ पे दर्शन करता रहूँ। मेरी यही भगवान से जोड़ की विनती। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रसन्नता होती है मुझे। मैं जब से आ रही हूँ, जब से यहाँ पीछे टेंट वो टीनों के बने हुए थे, तभी से मैं यहाँ आ रही हूँ। मुझे आज 6 साल हो गए, जब से स्टार्ट हुआ था, मेरे को 6-7 बार मैं यहाँ आ चुकी, और मुझे यहाँ आने से बहुत ही खुशी और बहुत ही शांति मिलती है। जय बोलो मुनि सतना भगवान की, जय। ये बोली भूगर्भ से प्रकटित अतिशय कार्य 1008 श्री मुनीश्वर नाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मुनीश्वर नाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान हुए 1 वर्ष हो चुका है, और अब यहाँ पर मुनीश्वर नाथ भगवान के साथ ही भूगर्भ से निकली हुई सरस्वती माता की एक प्रतिमा है, उसके लिए एक सरस्वती मंदिर का निर्माण पूज्य गुरुमा गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से यहां पर करवाया जा रहा है। बंधुओं, कई तीर्थों पे हम जाते हैं, वहां पे वाचनालय बने हुए हैं, ग्रंथालय बने हुए हैं। यहां पर ग्रंथालय के साथ साथ उसमें सरस्वती माता की प्रतिमा भी, और वो भी भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा विराजमान होगी। जब भक्त वहां आएंगे, उसमें बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, वहां उनको जो अनुभूति होगी वो बहुत ही सुंदर होगी। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ से प्रकटित सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए पूज्य माता जी की प्रेरणा से सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए 108,000 रुपये की राशि से 108 संस्थापक सदस्य बनाए जाएंगे,
आप भी अपने परिवार का नाम इसमें दे सकते हैं। कुछ नाम हमारे पास में आ चुके हैं बंधुओं, ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है जो तीर्थ मात्र 5 वर्ष में पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। ऐसे अतिशयकारी तीर्थ पर अतिशयकारी मुनि सत्यनाथ भगवान की पावन निश्रा में, पावन छत्र छाया में अपना द्रव्य लगाएं और सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दें। साथ ही बंधुओं क्षेत्र की कई छोटी छोटी योजनाएं हैं, आहार दान ध्रुवपंड यहाँ पर चल रहा है, उसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। 1,11,051 रुपये की राशि अपना योग दे करके अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरी पर एक दिन का विधान और शांति धारा यहाँ पर करवा सकते हैं। आपके नाम से आजीवन उस विशेष दिन विधान और शांति धारा होगी। एक हर शनिवार को शांति धारा 1 वर्ष तक आप करवा सकते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी ओर से हर शनिवार को शांति धारा यहाँ पर हो रही है। आप 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से 1 वर्ष तक हर शनिवार को शांति धारा करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद बंधुओं। अतिशयकारी मुनि सत्यनाथ भगवान के साथ 23 अप्रैल 2013 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से निकली हुई सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक सरस्वती मंदिर का निर्माण हो रहा है और अतिशीघ्र उसका शिलान्यास होने वाला है। उसमें पूज्य माता जी की प्रेरणा से, पूज्य माता जी के आदेशानुसार 108 संस्थापक सदस्य बनेंगे जिनकी ओर से उस सरस्वती मंदिर का निर्माण होगा, जिसमें कुछ नाम हमारे पास में आए हैं। कुमारी निकिता जी जैन, डॉक्टर ऑफ श्री सौरभ जी जैन CA मेरठ से, श्री उज्जवल जी जैन पुत्र श्री रमाकांत जी जैन CA, श्रीमती राखी जी जैन मेरठ, श्री मैत्रेय जी जैन, श्री इंजीनियर अखिलेश जी जैन हरिद्वार, श्री गुंजन जी जैन वाइप ऑफ श्री सौरभ जी जैन CA मेरठ, और श्री राजकुमार जी, स्वर्गीय श्री महावीर जी, रविंद्र जी, राजेश जी सम्यक सार्थक सिद्धांत, श्रेयांश वीर अल्पना जी जैन साउथ दिल्ली, पूरे परिवार की ओर से 5 सदस्य बने पूरे परिवार के 1,08,000 रुपए की न्योछावर राशि से। इसके अलावा श्री संजीव जी, राजेश जी, महावीर प्रसाद जी, वरुण जी, राजीव जी, विजय जी, अनुराग जी, अंकित जी, पीयूष, सचिन, अरहम, सुरेंद्र जी, यशपाल जी जैन दिल्ली, इनके परिवार से भी 5 सदस्य बने हैं सरस्वती मंदिर में संस्थापक सदस्य। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसके अलावा गुंजन जी जैन पहाड़िया परिवार, सृष्टि जैन, अभिषेक जी जैन मेरठ, सुरेंद्र जी, मनीष जी, नितेश जी, सुमन जी, प्रतिभा जी, समृद्ध जी जैन जयपुर, श्री विनोद जी, नितिन जी जैन दिल्ली, श्री कामता प्रसाद जी, सुपुत्र श्री बंसीधर जी जैन सह परिवार आनंदपुर वाले हाथरस उत्तर प्रदेश, श्री पदमकांत जी जैन, श्रीमती बबीता जी जैन, श्रीमती मिनी चिन्मय जी, मोहित स्वामी जैन मैनपुरी जैन मैनपुरी से बर्तन वाले, श्री अशोक जी, श्रीमती रानी जी जैन, सचिन जी जैन रोहतक, स्वर्गीय श्रीमती किरण जी जैन, ओम प्रकाश जी जैन बज परिवार, श्री विशाल जी, अभिषेक जी, खुशबू जी जैन कानपुर, इनकी ओर से भी एक घोषणा हुई है सरस्वती मंदिर में। बंधुओं, पूज्य माता जी ने जैसा आज ही बताया था प्रवचन में, और ये सौभाग्य मिलने वाला है आपको बहुत छोटी छोटी राशि के द्वारा। आप प्रतिदिन 100 रुपए डालें गुल्लक में और ऐसा आपको 3 वर्ष तक करना है। 3 वर्ष में पूरे 1,08,000 रुपए की राशि इकट्ठी हो जाएगी और आप सरस्वती मंदिर के संस्थापक सदस्य बन जाएंगे। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। भूगर्भ से प्रकट सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए जो सरस्वती मंदिर बनने वाला है उसमें आप अपना द्रव्य लगाएं, और इसके अलावा आप अपने घर पर गुरुवार को सरस्वती चालीसा का पाठ करें और एक गुल्लक में 100 रुपए डालें हर गुरुवार को, और 2.25 साल में 11,000 रुपए की राशि इकट्ठी हो जाएगी और आपका द्रव्य उस सरस्वती मंदिर में लगेगा। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, मन बनाए आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167, 9784853787।